वेरी अच्छा nice. मैं गई थी जब आपने रोटी डाली ना प्लेट में, तो मैंने कहा ये एक्चुअली ना रोटी डाल के सालन लेके माँ के पास लेके जाएगा, लेकिन वासिफ ने रोटी का नवाला बना के खुद खाना शुरू कर दिया. और बहुत प्यार करता है उससे, और वो नहीं चाहता कि माँ को तकलीफ हो जब से फादर की डेथ हुई है. तो मैंने डायरेक्टर से बात की थी, मैंने कहा सर मैं अगर उठ के चला जाऊं या मैं ना खाना खाऊं. उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें दिखाना ही ये चीज़ क्योंकि आगे पूरा जितना भी एपिसोड चलेंगी वो फिर मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का, वो फील नहीं आएगी उन लोगों को, तो वो चीज़ दिखानी है. तो मैंने मैं दिल में तो नहीं उसको भी फिर मैंने अंडर किया. मैंने कहा मुझे गालियाँ ना पड़े इसको, पड़े मेरी बचत हो जाए. लेकिन फिर भी वो सीन ऐसा था कि कल मैंने जब देखा मुझे खुद दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया है, क्यों खाया मैंने खाना. मैं चला जाता उनके पास बुलाने के लिए या पूछा था कि क्यों नहीं आई अभी तक. वो मेरी डिस्कशन हुई है डायरेक्टर से, सर मैं ऐसे कर लूँ प्लीज. लेकिन वैसे इन रियल लाइफ जब हम ये वाले सीन्स कर रहे थे ना, तो मैं तहसीन के पास जाके, जो डायरेक्टर हैं इस प्ले के, उनके पास जाके मैं कहती थी सर बहुत बुरा फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह का करते हुए. बट ऑब्वियसली हम रियलिटी दिखा रहे हैं, ऐसा होता है. और बीइंग वासिफ लड़के ऐसी सिचुएशन में नम हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता क्योंकि एक जगह माँ है एक जगह बीवी है, आप क्या करें, आप यहाँ बोलेंगे यहाँ मसला, वहाँ बोलेंगे वहाँ मसला, मतलब व्हाट आर यू सपोज टू डू. फिर आप ये देखे ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता वासिफ हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेसफुल एंड एजिटेटेड, ही इज़ ऑलवेज लाइक ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि कहीं से भी उसको तो कंफर्ट मिल ही नहीं रहा ना, बिकॉज ही इज स्टक इन अ सिचुएशन. जो कंफर्ट मिलता है तो ऑफिस में मिलता है या वलीद को देखते हैं तब मिलता है, अली के साथ अली कंफर्ट करते हैं. और ये सीन ऐसा था कि इतना दुख होता था क्योंकि समीना अहमद जो हमारी अम्मी बनी हुई है वो इतनी अच्छी औरत है, उनके साथ काम के इतना इतनी पॉजिटिव वाइब आती है. मैं उनको सच में अम्मी कह के बुलाता था सेट पे, मैं उनको अम्मी अम्मी, और बड़ी खुश होती थी वो अम्मी कह के. तो जब ऐसे सीन होते थे शी इज अ स्वीट हार्ट, मतलब दिल ऐसे टूटता था ना. और कुछ सीन में तो हम लोग सारे रियल रोए हैं बिल्कुल. मैं तो पूरे ड्रामे में तो रोता ही रहा हूं ना, रियल रोया हूं जी जी, ये रियल रोते हैं, आराम से रोना चाहता हूं. हां मैं रोता हूं और कोई फीलिंग और ऐसा ही हूं मैं बिल्कुल. यस ओके, बिकॉज़ वो जो दो से तो ज्यादा दफा दिखाया आई थिंक वासिफ को रोते हुए, तीन चार बार हो चुका है. तो मुझे वो इतना अच्छा पॉइंट लगा, आई थिंक इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि मर्द है वो रो रहा है. अच्छा और वो भी ना, वो नहीं कि एक इंटेंस कोई ट्रेजेडी हो गई है तो उसके ऊपर वो रोए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे कोई भी इंसान जैसे हम रो लेते हैं, हम रो रहे होते हैं, कोई बच्चा भी रो रहा होता है तो ही इज क्राइंग, और उसकी बीवी आके उससे पूछे तुम क्यों रो रहे हो. तो एक तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती थी, राइटर को, डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, आप सबको, कि ये आप लोगों ने किया और आपने बड़े अच्छे से किया, उसको एग्जैजरेट नहीं किया, इतना रखा कि और नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्योंकि देखें लोग कहते हैं कि जो मर्द होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो रोता नहीं, क्यों नहीं रोता, उसके इमोशंस नहीं होते क्या, वो फील नहीं करता कोई चीज़. तो हमारे यहाँ पे ना मर्द को ऐसा बना दिया है कि बड़ा स्ट्रांग सा है, उसके बाद इमोशंस नहीं है. हाँ थप्पड़ का अगर कोई मार दे मर्द वो सही है किसी लड़की को, और अगर वो रो ले अपनी फीलिंग्स बयान कर दे किसी के सामने तो वो कमज़ोर मर्द है. आई थिंक वो बहादुर मर्द होता है जो किसी के सामने अपने इमोशंस रखता है, किसी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपनी बयान कर सकता है किसी को. आई थिंक वो स्ट्रांग मर्द है. ये नहीं होता कि सिर्फ चीखना चिल्लाना या अपने दिल में बात रख लेना. तो वासिफ ऐसा ही है, वासिफ अपनी चीज़ जो है गुस्सा नहीं कर सकता, चीख नहीं सकता, उसके कोई डिसीजंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उसके पास. तो वो सिर्फ अपने जितनी भी इमोशंस हैं उसके पास, जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं वो रो के बयान करता है. उसके पास यही चीज़ तो है. वो क्या करे, वो ना अपने भाइयों से जिक्र कर सकता है, ना अपने बाप से, ना अपनी माँ से. माँ से जिक्र करता है लेकिन उसको पता है कि इनके ही डिसीजन चलेगा, इन्हीं ही पावर है. तो उसके पास यही चीज़ है कि वो अपने इमोशंस से ही हर चीज़ बयान कर सकता है, वो रोता है. और आई थिंक रोना कोई बुरी बात नहीं है. लोग कॉमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि पूरे ड्रामे में रोता रहा, कोई चीज़ ही ऐसी किसी का बाप मर जाए ठीक है, कोई इतनी मुश्किल आ जाए. आप एक घर में देखते हो कि मेरी माँ के साथ हमेशा ज्यादती होती है, उसको गालियाँ बढ़ती रहती हैं, उसको सुनाती रहती है, आप कुछ नहीं बोल पाते ठीक है, आप कुछ नहीं बोल पाते, आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप बोल सको. तो आप क्या करोगे, अपनी माँ को देख रहे हो ना जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आप रोगे ना. लोग यहाँ पे फिर वो कह रहे होते हैं कि रो, अब और क्या करें, यही कर सकता नहीं. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत अच्छा, आई थिंक मैंने इसलिए किया. हमारी में डिस्कशन जब हुई मेरे डायरेक्टर से, उसने यही कहा हमारी जो स्टीरियोटाइप है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है,
इसको ब्रेक करना है हम लोगों ने। सही बात। और आई थिंक ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा कभी किसी को इतना खुल के रोता हुआ। वो एक दफा कुछ दिखा देते, बट ये तो कैरेक्टर, इट वाज पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर व्हिच वाज वेरी गुड, व्हिच वाज वेरी एक्सेप्टेबल, एंड वी ऑल लाइक्ड वासिफ। इट वाज नॉट कि हमें वासिफ पसंद नहीं था या हमने वासिफ को जज किया इसलिए। ये एक बड़ी चीज है जो मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। तुबा, आपके लिए एज फरहत, आई लाइक द वे यू बैलेंस दो चीज़ें। यू नो, जब मैं सुनती हूँ फरहत की बात तो मुझे लगता है कि हाँ, फरहत जो कह रही है वो सही है। यू नो, मुझे जैसे आपने प्राइवेसी की बात की, राइट की बात की, यू नो, I find myself saying those lines, you know, अगर मैं उस सिचुएशन हूँ। बट जब मैं थर्ड ऊपर से देखती हूँ ना, बर्ड्स व्यू देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं, मे बी फरहत को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो आप दो इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट कर रही हैं विद योर परफॉर्मेंस, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू, थैंक यू। एंड यू फॉर दैट जुनेद, द ट्रांजिशन, द आर्ट दैट वी हैव सीन इन वासिफ, कहाँ से वो मंगनी से पहले वो बातें करें फोन पे, बड़ा अच्छा हैप्पी गो लकी, और अब वो एक बड़ा चिड़चिड़ा सा इंसान बन गया, you know, जो इतनी जल्दी से उसका मूड खराब होता है। एंड यू हैव मैनेज्ड दिस ट्रांजिशन सो वेल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक मैं रियल लाइफ में भी ऐसा हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, छोटी छोटी बात पे ऐसे रोना आ जाता है, ठीक है। तो मैंने वही चीज उसमें रख दी कैरेक्टर के सामने। जब मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा, उस मेरी अम्मी की 2017 में डेथ हुई थी, और आई थिंक कि वो जो फीलिंग थी वो जो डेथ वाले सीन पे, वो बिल्कुल रियल थी। मैं बिल्कुल रियल में रो रहा था कि मुझे वही चीज़ फील हो रही थी, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बना हुआ था। और एक जैसे साया सर से चला जाता है जब आपके बड़े का, तो कोई भी इंसान हो वो टूट जाएगा बिल्कुल। और वासिफ टूट गया, जब वासिफ टूट गया उसको पता है कि मेरा सब चीज़ें चली गई हैं, मेरा घर भी बिखर गया, मेरे भाई बिखर गए, और मेरा सबसे छोटा भाई जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिससे मैं हर चीज़ शेयर करता था, वो भी दूर चला गया। तो वासिफ की नेचर बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि वो पहले बड़ा एक फन लविंग था, बड़ा जॉली सा था, हंसी मजाक, मसले थे उसकी लाइफ में, हर चीज़ थी, लेकिन उसके पास सपोर्ट थी अपने छोटे भाई की। अब वो चली गई, अब वो हर तरफ से मसले ही हैं उसको, कि मेरी इसकी वाइफ जो है वो मेरी माँ को नहीं रखना चाहती, वो चाहती है अलहदा हो जाए। उसके अपने रोए नखरे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, यहाँ की चीज़ चाहिए, अपना अलग घर चाहिए, घर में ये चाहिए। अब वो ऑफिस भी संभाल रहा है, वो फाइनेंशियली भी देख रहा है, वो अपने रिश्तों का भी ख्याल करना है, उसने हर चीज़ का ख्याल करना है। तो वो आई थिंक उसी चीज़ों में फंस के रह गए, वो इसीलिए कुछ नहीं बोलता। और अब आपने इतनी अच्छी इंसाइट दी है इसमें, मैं ये सोचूं कि क्योंकि उसके जितना कंफर्ट लेवल की जो चीज़ें थी, सपोर्ट थी, वो निकल गई, इसीलिए वो फरहत को भी नहीं जाने दे रहा, बिकॉज उसको डर है कि ये तो एक सॉलिड फाइनल चीज़ रहेगी, ये भी चली गई तो मैं क्या करूंगा, अकेला रह जाऊंगा, अकेला रह जाऊंगा। यू आर राइट, अब मैं आपसे बातें करूँ, मेरे इतने एंगल्स आ रहे हैं। और एक जॉइंट फैमिली में जो रहता है ना बचपन से, उसके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने हमेशा ये देखा जैसे इसके लिए है, ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल है, तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल है। तो वासिफ यही है कि वासिफ को है कि अगर ये भी चली गई ना, तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी मेरे लिए। माँ तो है मेरे पास, भाई भी हैं, लेकिन सब अलहदा हो गए। अभी तहसीन भाई के साथ काम किया बेबी बाजी में, क्या इंसान है वो, नो डाउट, ग्रेट, फुल मार्जिन आपको दिया हुआ है, आप काम करो, आपको बता भी रहे हैं ये करना है, और वो 100 मसलों में है वो बंदा, एडीएस के मसले भी देख रहा है, वो बाकी चीज के मसले भी देख रहा है, ENG के मसले भी देख रहा है, वो टेक्निकल भी, लेकिन उसके बाद वो शॉट भी देख रहा है, फ्रेमिंग भी देख रहा है।